बी रेडी स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पांचवी योजना पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति प्रकट कर दी है, किंतु मंत्रिमंडल में लगभग 2 माह तक विचार किए जाने के बाद योजना के दृष्टिकोण पत्र में अनेक परिवर्तन किए गए हैं। योजना आयोग मंत्रिमंडल के सुझावों को अब दृष्टिकोण पत्र में शामिल कर उसे अंतिम रूप दे रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाकर उसकी भी दृष्टिकोण पत्र पर स्वीकृति लेने का प्रस्ताव है। दृष्टिकोण पत्र पर इतनी लंबी बहस मंत्रिमंडल में पहले कभी नहीं हुई। इस पर विचार के समय हर मंत्रालय से संबंधित नीतियों तथा कार्यक्रमों पर विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। योजना आयोग ने अपने नोट में लगभग हर क्षेत्र में विकास में शिथिलता आ जाने तथा प्रगति धीमी पड़ जाने की चर्चा की थी। अनेक मामलों में नीतियों तथा कार्यक्रमों पर नए सिरे से विचार का भी सुझाव दिया गया था। आयोग की इस राय से आर्थिक मंत्रालयों ने सहमति प्रकट नहीं की, बल्कि विदेश व्यापार मंत्री ने दृष्टिकोण पत्र में विदेश व्यापार के मामले में आयोग के विचारों को बदलने पर जोर दिया तथा इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से कुछ मसौदा लिखकर भेजा। कच्चे माल की कमी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा संकट, हमारे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय भाव पर कच्चा माल न मिलने तथा करों में अनेकता इत्यादि पर भी खुलकर विचार किया गया। विशेषज्ञों की राय है कि निर्यात उद्योग को जब तक वही सुविधा नहीं दी जाती जो अन्य देशों में उत्पादकों को प्राप्त है, तब तक हम अपना माल विदेशी बाजार में प्रतियोगी नहीं बना सकते हैं। फिर निर्यात कैसे बढ़ेगा? लाइसेंस नीति तथा राष्ट्रीय करण और ऋणों को शेयर में बदलने संबंधी सरकारी घोषणाओं के कारण औद्योगिक विकास की गति रुक गई है। नई पूंजी का विनियोजन अधिक नहीं हो पा रहा है। उद्योगों का विस्तार भी रुका पड़ा है, बल्कि कच्चा माल न मिलने तथा हड़ताल आदि के कारण अनेक कल कारखाने बंद हो गए हैं अथवा पूरी अक्षमता से उसमें उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इससे औद्योगिक क्षेत्र में विकास अवरुद्ध हो गया है। योजना आयोग ने इस स्थिति पर चिंता व्यक्त की है, लेकिन चिंता करने से ही काम नहीं चलेगा। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वे ऐसे कदम उठाए जिससे देश में अधिक से अधिक औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिले, नए नए कल कारखाने खुले तथा उद्योगों को कच्चे माल, बिजली, पानी इत्यादि की कोई भी कमी महसूस न हो। जो कल कारखाने किसी भी कारण से बंद पड़े हैं, उन्हें फिर से चालू करवाने के लिए सरकार को पूरे पूरे प्रयत्न करने चाहिए, ताकि वे फिर से खुलकर देश के औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकें। पूर्ण विराम।